वेलकम टू आउट ऑफ बॉक्स क्लासी चैनल। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश का फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैंने डाल दिया है और पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन का वीडियो भी मैंने डाल दिया है, आपको जो पसंद है वो आप देख सकते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो द वे अ क्रो श्रोक डाउन ऑन मी मीन्स वन क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री, द क्रो बाय मिस्टेक और पर्पसली थ्रो स्नो डाउन ऑन पोएट। तो इसका मतलब क्या है, तो एक कौवा जो टहनी पर बैठा था, पेड़ के टहनी पर, उसने गलती से नहीं तो जानबूझ के वो टहनी हिलाई और टहनी हिलाने की वजह से ऊपर जो स्नो उस पर था वो नीचे गिर गया। बोल रहे ओके भाई, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, द स्नो फेल लाइक अ डस्ट वेरी फाइन, पोएट नेम द ट्री एज अ हेमलॉक ट्री विच इज ऑफ नो यूज। तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्नो गिरा था वो बहुत ही फाइन था, मतलब पाउडर की तरह गिरा था। ओके, पोएट ने वो झाड़ को हेमलॉक ट्री का नाम दिया है। ओके, जो हेमलॉक ट्री का कुछ फायदा नहीं होता है इसलिए ऑफ नो यूज लिखा है वहां पर। ओके, आई हैव गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ओके, बट द हेमलॉक एंड द क्रो एक्शन चेंज हिज फीलिंग, हेमलॉक एंड द क्रो सिंपल एक्शन मेड हिम हैप्पी। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि जैसे झाड़ के नीचे वो किसी के वजह से बैठा था, मतलब वो सैड भी कुछ होगा, तो वो उसका चेंज हो गया बोल रहा है मूड। ओके, और वो अभी हैप्पी था। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई रूंड, ओके, एज ही वॉज वेस्टिंग हाफ डे थिंकिंग, बट नाउ ही वॉज रेडी टू वर्क एंड पार्ट ऑफ द डे वेस्टिंग इन रिग्रेटिंग थिंकिंग अनहैप्पी पनिश्ड एक्सेट्रा। ओके, तो उसका मूड कैसा था, मूड तो बहुत ही बुरा था उसका, तो वहाँ पर तो वो सोचने में बैठा था कि मैंने कुछ ना कुछ इसने गलत किया था, तो उसके बारे में वो सोचने को बैठा हुआ था। पर अभी क्या हो गया, सिंपल जो एक्शन हुआ यहाँ पर, ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ, उसका ध्यान जो था सोचने के ऊपर ध्यान था उधर से हट गया और वो अभी सोचने लगा कि मैं अभी कुछ ना कुछ अच्छा काम करूंगा इसके बाद। ओके, और वो उठ खड़ा हुआ बोल रहा है। ओके, तो रूंड मतलब क्या है, रूंड मतलब कोई भी ऐसे चीज़ जिसमें बुराई का महसूस होना कि कुछ ना कुछ मैंने बुरा किया ऐसा करके, तो उसी को हम रूंड बोलते हैं। जैसे रिग्रेटिंग, पनिश किया तो होता है, किसी को बुरा लगता है, अनहैप्पी। ओके, तो ये सब रूंड का मीनिंग से। पोएम के लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पोयम का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। थैंक यू।